संगी से ढोलक पर संगति कर रहे भाई पवन जी, उधर ही खनौली से पेड़ की झनका दिखा रहे भाई वीरेंद्र जी, रोनीदा से झीका की झनका दिखा रहे ब्रजमोहन जी भटावली से, और आपके बीच में ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है, जो दो चार दिन में आप YouTube पर सुनोगे। आपके ही नाम ले पंडित रोहतास DSM जनूथर वालों की तरफ से आइए। पूछा था कि ये पत्नी पति के पैर क्यों दबाती है, रसिया जी की लालटेन जब पे गई कोई जवाब नहीं आया। एक प्रश्न पूछ करके गए थे कि दाऊजी कन्हैया कब बने, मैंने बताया था कि दाऊजी महाराज ने यमुना महारानी को खींच लिया था, वृंदावन के पास बहने लगी थी, आज भी ऐचा दाऊजी के नाम से नौबारी में गांव है। लेकिन मैंने उसमें लगा दिया कि रामादल के जैसे छंद सवैया बने, तो कह रहे ये रामादल कहां से आए वो? अरे बुद्धहीन, ये रामादल मेरे अखाड़े का नाम है, मैं रामादल का पट्टा हूं, ये वहां से आया है। बात त्रेता ही बात द्वापर की थी, दाऊजी महाराज कन्हैया बने हैं, मैंने पूछ लिया कि राधा रानी कब बने। अब आप कमेंट देखना, YouTube पर आएगी कमेंट, कमेंट बंद भी कर दी जाती है गुरुजी, ये झूठ बोलने से कोई कलाकार नहीं हो जाता है। मैं रोजाना झूठ बोलूं कि दाऊजी महाराज हमारे पेशावर में आए कि राधा रानी बने, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? आप मुझे प्रमाण दे जाना कि राधा रानी जो दाऊजी महाराज द्वारिका से लौटने के बाद ब्रज के लोगों ने कहा था बने थे, आपको 1101 रुपए का इनाम मैं अभी दूंगा। लेकिन तर्ज को देखते हुए अबन भैया नो 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 ये कहा था, यह वेदों का ज्ञान जो करता बखान। चाचा जी ये वेद कह रहे हैं, हमारे रसिया जी कहकर के गए थे, मैंने एक सम्मानित शब्द बोला था रसिया जी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की चाचा जी, लेकिन रसिया जी कह रहे थे कि एक भदड़ी का बच्चा मुझसे, भदड़ी का बच्चा कह रहे थे साहब रसिया जी, लेकिन रसिया को ये नहीं पता है कि उस भदड़ी के बच्चे ने तो जैसे पाखंडी रखी लंका में आग लगा दी बाबा साहब। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद चाचा जी की तरफ से, और 100 रुपए का आशीर्वाद श्री लोकेंद्र उप सरपंच जी की तरफ से, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्री ईश्वर सिंह फौजी, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे जो संचालक जी श्रीमान दशरथ प्रधान जी की तरफ से आया है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। लेकिन पवन भैया कहना क्या है, अब पूछ लिया ये पूछ लिया यह वेदों का ज्ञान, लेकिन कहना सुने खोल के दुकान काहे तोड़ रहे हो तान। दोनों से दोन और जवाब से जवाब देता है ये देवेंद्र ब्रजवासी, किसी का उधार नहीं रखता, और तुझ जैसे पाखंडियों को इस बंदरी के बच्चे ने तेने लगा दिया है। सुन खोल के दुकान काहे तोड़ रहे हो तान, ना जनानी बने ना जनानी
तेरी नानी बने। दाऊ बाबा कभी जनानी नहीं बने हैं, सिर्फ राधा रानी बने हैं। और उनके नाम से भी जैसे मैंने ऐचा दाऊ जी नाम बताया था, ऐसा ही एक गांव और है, ना जनानी बने ना तेरी नानी बने। और देख बलदाऊ कहां पे राधा रानी बने, दाऊ कहां पे राधा रानी बने। और चार रोहतास, चार रोहतास के चैनल पे साची साची कह जा, ये यूट्यूब लगा हुआ है और जनता देखती है हमारे तुम्हारे काम, क्या तुम क्या जवाब दे रहे हो, देवेंद्र क्या जवाब दे रहा है। जा रोहतास के चैनल पे साची साची कह दा, वेदों का प्रमाण दिखा जा, और 1100 रुपया वेदों का प्रमाण दिखा देना, और 1100 रुपया ले जा। और तो जैसे पाखंडी ना खानदानी बने, तो जैसे पाखंडी, तो जैसे पाखंडी ना खानदानी बने, कहां पे बंदाऊ राधा रानी बने। मेरे सरदारों अब अपने ध्यान को लगाएंगे, आज मोहिनी भीमसेन के पास पहुंच गई। आहा, भीमसेन को देखा, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। भीमसेन ने देखा इस घने जंगल में ये सुंदर स्त्री कहां से आ गई। पवन भैया क्या कह रहा है, सुंदर नारी देख के और भीमा रहो सिहाए, और इकली मेरे पास में कैसे गई की पहना सुपन खाजे, पंचपती पे हंस गई है। वो मंदोदरी कह रही है, जरा बड़की पहना सुपन खाबो, पंचपती पे हंस गई है। कहना लगी है लक्ष्मण दे तेरी सूरत दिल में, अरे कहने लगी है लक्ष्मण दे तेरी सूरत दिल में बस गई। पवन भैया जाने ऐसा रूप सिंगार करो जैसे घोड़ी जीन में कस गई है। और रसिया जी जे नाक कटाए के जावेगी नथिया गुंदन में गई है। इस घने जंगल में तू कैसे आ गई, लेकिन भैया हिडंबी क्या कह रही है। अरे सीसपे हिडंबी ने श्रृंगार किया था, और वो सिंगा है भैया जी कहा, अरे सीसपे सीस फूल बेना, शीश पे शीश
अरे मिलते हैं लखन जैसे
कन्हैया मोहन मदन मुरारी कण कण में छा गए मोहन मदन मुरारी कण कण में छा गए दध माखन और मिश्री रज रज को खा गए। रसिया जी गीत ऐसे गाया जाता है और आप बनते हो शेर किसी गधे पे शेर की खाल उड़ाने से वो शेर नहीं हो जाता है। कहना है मोहन मदन मुरारी कण कण में छा गए दध माखन और मिश्री रज रज को खा गए। अरे कृष्ण करो से चरी मिले वो गैया कभी कभी प्रदानी जो गैया भगवान कृष्ण के हाथों से चराई गई वो गैया कभी कभी मिलती है। अरे कृष्ण करो से चरी मिले वो गैया कभी कभी अरे मिलते हैं लगते से गैया कभी कभी।